हरे कृष्णा। सर्व आकर्षक भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं को जब शब्दों की चाशनी में डुबोकर भक्तों की प्रसन्नता के लिए परोसा जाए तो दिव्य आध्यात्मिक आनंद की ऐसी लहरें उठती है जो सिर्फ भक्तों के हृदय को ही नहीं अपितु भौतिक चेतना में लिप्त जीवात्माओं को भी आध्यात्मिक स्तर की मिठास से भर देती है, और उसमें भी उनकी बाल लीलाएँ तो मधुरता का मूर्तिमान स्वरूप है। तो क्या आप भी इस रस यात्रा का आस्वादन करना चाहते हैं? तो चलिए आज हम आपको दिव्य आनंद के ऐसे विश्व में लेकर चलते हैं जहाँ प्रतिक्षण भगवान की लीलाओं के मधुर रस की वर्षा हो रही है और जहाँ से आप कभी भी वापस नहीं आना चाहोगे, ये हमारा विश्वास है। तो चलिए काल यंत्र की सवारी करते हुए आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ करते हैं और सीधे उतरते हैं गोकुल के नंद भवन में, जहां भगवान श्री कृष्ण के नन्हे कोमल चरणों के स्पर्श से पृथ्वी देवी और उनकी गोद में खिले हुए घास के पत्ते धन्यता का अनुभव कर रहे हैं। आज दिवाली का दिन है, अगले दिन इंद्र यज्ञ होने वाला है, इसलिए सभी व्रजवासी उत्सव की तैयारियों में लगे हुए हैं। अब देखिए जहाँ श्री कृष्ण हो और वहाँ सभी चीज़ें शांति से चलती रहे, ऐसा कैसे हो सकता है ना? तो बस आज गोकुल में भी कुछ ऐसा ही हुआ, और आज जो हुआ वो ना तो पहले कभी हुआ था और ना आगे होने वाला था। ध्यान से सुनिएगा। प्रातः काल का समय है, मंद हवा की शीतल लहरें गोकुल की धरती पर विचरण कर रही है। चारों ओर दिव्य आनंद और शांति का वातावरण है। वृक्ष और लताएं आलस मरोड़ के खड़े हो रहे हैं। पंछियों का समुदाय श्री कृष्ण कीर्तन करते हुए आकाश मार्ग से जा रहे हैं। गोपियां अपने अपने घर में प्रातःकालीन कार्यों में व्यस्त हैं। कोई कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते हुए घर की सफाई कर रही है, तो कोई कृष्ण लीलाओं का गान करते हुए दूध निकाल रही है। लेकिन इन सभी कार्यों में केंद्र स्थान पर केवल श्री कृष्ण है, और यही है गोकुल की मधुरता, जहाँ कृष्ण के सिवा कुछ भी नहीं। लेकिन इस समय नंद भवन में मैया यशोदा क्या कर रही है? चलिए जरा नंद भवन की खिड़की से थोड़ा झांक लेते हैं। अच्छा, मैया तो दही मथ रही है। अरे, लेकिन नंद भवन में तो इतने सेवक हैं, फिर मैया को क्या ज़रूरत पड़ गई जो वो स्वयं आज माखन निकालने के लिए बैठ गई? अरे, वास्तव में बात ये है कि मैया यशोदा प्रतिदिन गोपियों के उल्हाने सुनकर थक गई थी। कभी कोई गोपी आकर कहती, अरे नंदरानी, आज तो कृष्ण ने मेरे घर से माखन चुराया, तो दूसरी कोई कहती, अरे नंदरानी, क्या तुम अपने लल्ला को खाना नहीं देती जो वो आज भी मेरे घर में अपने मित्रों के साथ माखन चुराने आ गया था? बस गोपियों की ये सारी बातें सुनकर यशोदा मैया ने सोचा कि शायद कृष्ण को ये सामान्य दूध का और दासियों द्वारा बनाया गया माखन पसंद नहीं, इसीलिए वे दूसरों के घर में चोरी करने जाता है। और ये सोचकर मैया ने तो आज दृढ़ संकल्प ले लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आज मैं स्वयं मेरे कृष्ण के लिए सबसे स्वादिष्ट माखन बनाऊंगी। और इसी की तैयारी स्वरूप उन्होंने नंद महाराज की कुल 9 लाख गायों में से 8 गायों को चुना था, जिनको विशेष प्रकार की सुगंधित घास खिलाई गई थी। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये सबसे श्रेष्ठ 8 गायें जो दूध देती थी वह भी सुगंधित होता था। इतना श्रेष्ठ दूध लाकर उसी में सर्वोत्तम माखन बनाने की योजना बनाकर यशोदा मैया दही में से माखन निकालने के लिए बैठी हुई थी। अब याद रखिएगा, यहाँ सिर्फ दही मथने का काम नहीं हो रहा, उसके साथ साथ यशोदा मैया कृष्ण की लीलाओं का मधुर गान भी कर रही थी। मैया यशोदा ने केसरिया पीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी और कमर पर सुंदर कमरबंद शोभायमान हो रहा था। कृष्ण के प्रति वात्सल्य प्रेम के कारण उनके स्तनों से दूध चल रहा था। दही मथने के कारण उनकी चूड़ियाँ तथा कंगन एक दूसरे का स्पर्श कर रहे थे, मानो वे यशोदा मैया के कीर्तन में करताल बजाने का कार्य कर रहे हो। उनके मुख कमल पर प्रस्वेद की बूंदें चमक रही थी
और उनके कानों के कुंडल झूमते हुए इस कीर्तन में नृत्य कर रहे थे। ऐसा अद्भुत सुंदर दृश्य देखकर यशोदा मैया के बालों में लगे हुए पुष्प उनके चरणों का स्पर्श करने के लिए नीचे गिर रहे थे। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जो भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के साथ वात्सल्य प्रेम का आदान प्रदान करना चाहता हो, उसे यशोदा मैया के इस स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। लेकिन हाँ, गलती से भी ये नहीं सोचना चाहिए कि वह स्वयं यशोदा मैया का स्थान ले सकता है, क्योंकि यशोदा मैया का स्थान कोई नहीं ले सकता और इसे मायावाद कहते हैं। यशोदा मैया के वात्सल्य रस से आप्लावित होकर ऐसे समय में भगवान श्री कृष्ण अपने बाल रूप में वहाँ प्रकट होते हैं। आंखें मलते मलते वो यशोदा मैया के पास आते हैं। अब सुबह उठते ही उनको तो भूख लग गई है, तो क्या किया जाए? तो बस अब कृष्ण चाहते थे कि यशोदा मैया सारे कार्य छोड़कर सबसे पहले उनको अपना दूध पिलाए, और इसलिए उन्होंने यशोदा मैया जिस मथनी से दही मथ रही थी उसे पकड़ लिया। अब ये देखकर मैया यशोदा हंस पड़ी, ये सोचकर कि मेरा पुत्र इतना समझदार हो गया है कि उसे पता चल चुका है कि अगर मथनी पकड़ी ली जाए तो मैया अपने आप मथना बंद करके मुझे उठा लेगी। कृष्ण की इस बुद्धिमत्ता पर प्रसन्न होते हुए यशोदा मैया ने बालक कृष्ण को प्रेम पूर्वक अपनी गोद में उठा लिया। उनके वात्सल्य प्रेम की धाराएं दूध बनकर उनके स्तन से बहने लगी और कृष्ण भी इस दिव्य प्रेम के आदान प्रदान का आनंद उठाने लगे। अब ऐसे में अचानक मैया ने देखा कि चूल्हे पर उन्होंने जो गर्म करने के लिए दूध रखा हुआ था वो तो उबल के नीचे गिर रहा है। वास्तव में जब कृष्ण मैया यशोदा का दूध पी रहे थे तो दूध ने सोचा कि मैंने इतनी तपस्या की, 9 लाख गायों में से 8 को चुना गया, उनको उत्तम सुगंधित घास खिलाई गई और उसमें से मुझे बनाया गया। अब हर प्रकार के श्रेष्ठ साधनों द्वारा मेरा निर्माण हुआ है, फिर भी कृष्ण मेरा स्वीकार करने के बजाय मैया का दूध पी रहे हैं, तो मेरे इस जीवन का क्या लाभ? तो चलो अब मैं आत्महत्या कर लेता हूँ। ये सोचकर दूध अपने पात्र से उछलकर बाहर गिरने लगा। अब यहाँ पर हमें एक बात ये समझनी है कि गोलोक धाम में प्रत्येक वस्तु चिंतामणि है और जीवंत है। प्रत्येक कण प्रत्येक वस्तु कृष्ण की सेवा करती है और इसीलिए ये संभव हो पाया। तो जैसे ही मैया ने देखा कि अरे अरे दूध तो नीचे गिर रहा है, तो तुरंत मैया ने कृष्ण को अपनी गोद से नीचे उतारा और वो स्वयं दूध को चूल्हे से नीचे उतारने के लिए चली गई। अब देखिए, हम सब जानते हैं कि कृष्ण जो हैं वो द्वेषी प्रेमी हैं। यदि आप उनको प्रेम करना चाहते हैं तो वे आपसे एकदम एक लक्षी ध्यान की मांग करेंगे। अगर आप थोड़ा भौतिक कार्यकलाप भी करेंगे और थोड़ा कृष्ण भक्ति भी करेंगे तो फिर नहीं मिलेंगे आपको कृष्ण। उसके लिए व्यक्ति के जीवन में सिर्फ और सिर्फ कृष्ण ही होने चाहिए। तो बस मैया के साथ भी ऐसा ही हुआ। कृष्ण को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि मैया उनको नीचे उतार कर दूध को बचाने के लिए चली गई, और इस बात से क्रोधित होकर नन्हे बालक कृष्ण अपने होठों को दांतों तले दबाकर अपना गुस्सा प्रकट करने लगे। उनके नेत्र लाल हो गए और वहाँ पर एक छोटा सा पत्थर पड़ा था, उसे अपने छोटे से हाथों से उठाया और धड़ाम से दे मारा उस माखन के मटके पर, और बस सारा दही और माखन ज़मीन पर झरना बनकर बहने लगा। और इस शरारती ने उसमें थोड़ा माखन उठाया और अपने आंखों में नकली आंसू भर के घर के किसी कोने में जाकर चुपचाप माखन खाने लगा। ऐसे में हमारी मैया बेचारी दौड़ती हुई साड़ी के पल्लू से अपना हाथ पोंछती हुई उस स्थान पर आई, तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि माखन की सारी मटकी फूटी हुई है, चारों ओर दही और माखन बिखरा पड़ा हुआ है। इतनी मेहनत से जो सुगंधित और स्वादिष्ट माखन बनाया जा रहा था वो सारा व्यर्थ चला गया है, और जिसके लिए वो बनाया जा रहा था वो तो वहाँ से गायब हो चुका था। लेकिन उसकी शरारत की साक्षी भरने वाले माखन की छाप से बने हुए उसके नन्हे से कदम यशोदा मैया को उसके स्थान की चुगली कर रहे थे।
अब इस संपूर्ण दृश्य को देखकर यशोदा मैया समझ गई कि ये उसी नन्हे चोर का कार्य है और अब उसे दंड ना मिले उसके भय से वो कहीं जाकर छिप गया है। यशोदा मैया भी ऐसे छोड़ने वाली थोड़ी न थी। आज तो कृष्ण ने सारी हदें पार कर दी थी, इसलिए आज तो मैं उसे अवश्य दंड दूंगी। ये सोचकर यशोदा मैया एक गुप्तचर की भांति दबे हुए पांव से माखन से सने हुए उन नन्हे पदचिन्हों का अनुसरण करती हुई आगे बढ़ी। बगीचे की ओर आगे बढ़ते हुए एक सुंदर जालीदार खिड़की में से यशोदा मैया ने झांक कर देखा तो क्या देखा, उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण उल्टे रखे हुए एक लकड़ी के बड़े से उखुल पर बैठे हुए थे। उनके चारों तरफ बंदरों का जमघट लगा हुआ था। बंदरों के बीच में बैठे हुए कृष्ण उनके नेता लग रहे थे। मैया ने सोचा, अरे ये ध्यानी और योगियों की तरह बैठना कब से सीख गया। मन ही मन में वे मुस्कुराई। उसी वक्त एक शीतल हवा की लहर आई, जैसे वो यशोदा मैया के कानों में कह रही हो, अरे मैया ये तो सभी योगियों का भी परम योगी है, तुम नहीं जानती। इसके उत्तर में मैया ने सोचा, अरे क्या फ़ायदा इसका योगियों का गुरु बनने का, अभी तो वो बंदरों का राजा बन गया है। इस प्रकार सांकेतिक वार्तालाप के मध्य में कृष्ण अपने बंदर मित्रों को नीचे बिठाकर एक एक करके माखन खिला रहे थे। ये देखकर यशोदा मैया अपने हर्ष को रोक ना सकी। उन्होंने अपने साड़ी के पल्लू से अपना मुंह दबा दिया ताकि कृष्ण को पता ना चल जाए कि मैया की गुप्तचर आंखें उन्हें देख रही थी। अब हमारे कृष्ण भी कोई कच्चे खिलाड़ी थोड़ी ना है, अपना कार्य करते हुए भी उनके नेत्र इधर उधर घूम रहे हैं और देख रहे हैं कि कहीं मैया तो नहीं आ गई। अब मैया ने धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाए। अब देखिए गलती से क्या हुआ कि कृष्ण की पीठ जो है वो नंद भवन की ओर थी और मैया पीछे से आ रही थी, इसलिए इसका लाभ मैया को मिल गया। वे तो कृष्ण को स्पष्ट रूप से देख रही थी, लेकिन कृष्ण के चंचल नेत्र उन्हें देख नहीं पाए। यशोदा मैया ने पास में सीढ़ियों के पास रखी अपनी पति की रत्न जड़ित छड़ी उठाई और जैसे ही उन्होंने छड़ी उठाई मानो पूरी पृथ्वी कांपने लगी। क्या इस ब्रह्मांड के आधार को आज इस छड़ी से दंड दिया जाएगा? जो समस्त कारणों के कारण है ऐसे परम ईश्वर को क्या आज ये छड़ी खानी पड़ेगी? जो सभी के आश्रय स्थान है, जिनके अंग इतने कोमल हैं, उनको इस छड़ी का मार सहना पड़ेगा। अब देखिए गलती बड़ी की है तो सजा भी तो बड़ी ही मिलनी चाहिए ना? नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, यशोदा मैया ने सोचा। मैं इसको छड़ी से पीटूंगी नहीं, लेकिन हाँ अच्छे से भयभीत अवश्य करूंगी, जिससे कि वो दोबारा ऐसा कार्य ना करें। ये देखकर सभी पर्वत नदियाँ और पृथ्वी ने राहत की सांस ली। चलो अच्छा हुआ परम परमेश्वर आज इस छड़ी से बच गए। ऐसे में चुपके से हवा की शीतल लहर ने कृष्ण के कानों में जाकर कह दिया, भगवान सावधान हो जाओ, जिसे आप देख नहीं सकते लेकिन जिनसे आप भयभीत हैं ऐसी मैया आपके पीछे निकट आ गई है। और श्री कृष्ण ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा और उसी क्षण उखुल पर खड़े हो गए। एक क्षण के लिए उन्होंने मैया के सामने देखा तो उनकी आंखों में दंड देखने को मिला और दृष्टि को थोड़ा नीचे किया तो हाथ में छड़ी भी दिखाई दी। बस हो गया काम समाप्त, कृष्ण सोचने लगे, क्या मैया सच में मुझे छड़ी से दंडित करेगी? नहीं नहीं मैया ऐसा नहीं कर सकती। उतने में छड़ी के ऊपर जगमगा रहे रत्नों ने कृष्ण के कानों में कहा, भगवान आज तो मैं मैया के हाथों में हूँ, इसलिए मजबूर हूँ, कृपया मुझे क्षमा कर देना। अरे लेकिन यहाँ कृष्ण के पास क्षमा करने का समय ही कहाँ था, वे तो उखल से जोर से ऐसे कूदे मानो अब बस उनके नन्हे चरण ही उन्हें मैया के दंड से बचा सकते थे। एक बार फिर उन्होंने मुड़कर देखा, क्या सच में मैया छड़ी लेकर आ रही है? मैया ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन उसी वक्त फिर से हवा की लहर कृष्ण के कानों में आकर कहती है, भगवान भागो, आज आपको कोई नहीं बचा सकता, शीघ्र भागो।
अब अपने नन्हे कोमल चरणों को धरती का स्पर्श देते हुए बालक कृष्ण भागने लगे। पूरे नंद भवन में कभी यहाँ तो कभी वहाँ दौड़ते हुए उनके कानों के कुंडल नृत्य कर रहे थे और उनके आभूषण झूम रहे थे। और उनके पीछे मैया यशोदा ने भी अपनी साड़ी का पल्लू बांधा और हाथ में छड़ी लेकर कृष्ण के पीछे दौड़ने लगी। उनकी आयु और भारी शरीर के कारण वे थक चुकी थी। उनके बालों की पुष्पमाला उनके चरणों में गिरकर उनका वंदन कर रही थी और प्रस्वेद की बूंदें उनके मुख कमल और शरीर को कांति प्रदान कर रही थी। इस परम सुंदर दृश्य को देखकर समस्त देवता भी मंत्रमुग्ध हो गए। अब दौड़ते हुए कृष्ण ने सोचा, मैं एक कार्य करता हूँ, यदि मैं बाहर मुख्य मार्ग पर चला जाऊँगा ना तो मैया वहाँ नहीं आएगी, क्योंकि नंद रानी है, अपनी प्रजा के समक्ष अपने पुत्र की पिटाई थोड़ी ना करेगी, और अगर करने का प्रयास किया भी तो अन्य लोग उनको रोक लेंगे। लेकिन हमारे योगियों के आराध्य देव श्री कृष्ण की ये योजना भी निष्फल हो गई, क्योंकि वह दिवाली का दिन था और सभी व्रजवासी अपने अपने घर से उत्सव के लिए निकल चुके थे और कोई भी व्यक्ति वहाँ उपस्थित था नहीं। अब मैया यशोदा ने कृष्ण को धमकाते हुए कहा, रुक जा चोर, ठहर जा, कहाँ भाग रहा है, अपनी माता से भागना चाहते हो, जहाँ हो वहीं रुक जाओ। लेकिन कृष्ण क्या इतने आसानी से रुकने वाले थे? उन्होंने दौड़ते हुए ही अपनी गर्दन घुमाई और माता को कहा, हाँ हाँ मैं ठहर जाऊँगा, लेकिन यदि आप इस छड़ी को फेंक दोगे तब? माता ने कहा, यदि तुम्हें दंड का इतना ही भय है तो माखन की मटकी क्यों फोड़ी? और अब समस्त जगत के नाथ ने कंप कपाते हुए स्वर में मैया से प्रार्थना की, ठीक है मैया, अब से नहीं करूँगा, कृपया आप इस छड़ी को फेंक दे। दोनों ही एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। आखिरकार अपनी थकान को देखते हुए और कृष्ण की अश्रु मिश्रित याचना को देखकर यशोदा मैया ने छड़ी पीछे छिपा ली और सभी को छलने वाले कृष्ण आखिरकार मैया द्वारा छले गए। उन्हें लगा मैया ने तो छड़ी फेंक दी है और उन्होंने भी अपनी भागने की गति को मंद कर दिया। उसी क्षण माता ने अपनी दाई हथेली से उनकी दाई भुजा पकड़ ली। बस अनेक ब्राह्मणों, योगियों, ज्ञानियों और ध्यानियों की पकड़ में ना आने वाले भगवान श्री कृष्ण आखिरकार मैया से पकड़े गए। जब कृष्ण पकड़े गए तो उनकी आंखों में अश्रु माला प्रकट हो गई। काजल से सुशोभित अपनी आंखों को मलते हुए कृष्ण मैया से डरने लगे। उनको इस प्रकार भयभीत देखकर मैया को लगा, यदि मैंने अभी छड़ी नहीं फेंकी तो बालक को कुछ कहीं हो ना जाए। ये सोचकर माता ने छड़ी फेंक दी, लेकिन दंड तो देना ही पड़ेगा। तो बस फिर क्या था, जगत के नाथ को उखल के साथ बांधने के लिए वे कुछ रस्सियाँ ले आई और उन्हें बांधने लगी। अब देखिए, जिसका ना कोई आदि है ना अंत, जो समस्त ज्ञानी और योगियों के आराध्य हैं, जिनके दृष्टिपात मात्र से इस सृष्टि की रचना और संहार होते हैं, ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान को बांधने का साहस कौन कर सकता है? जी हाँ, ये केवल मैया यशोदा जैसे उनके परम शुद्ध भक्त ही कर सकते हैं। अरे लेकिन ये क्या, जैसे जैसे मैया उन्हें बांधने का प्रयास कर रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे ये रस्से भी मैया को प्रार्थना कर रही थी, मैया ये नन्हे से कोमल अंग है, कृपया इन्हें मत बांधो, इसमें निशान पड़ जाएंगे, और कृपया इस कार्य के लिए कम से कम मेरा प्रयोग तो मत करो। लेकिन ये तो जगत माता है, उन्होंने तो दृढ़ संकल्प लिया हुआ था कि वे कृष्ण को बांध कर रहेगी। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि मैया एक के बाद एक नई नई रस्सियाँ लेकर आ रही थी, एक में दूसरी परोती, लेकिन हर बार लंबी होने वाली रस्सी फिर भी कृष्ण को बांधने के लिए छोटी पड़ रही थी। बेचारी भोली मैया, उन्हें थोड़ी ना पता था कि वे किसको बांधने जा रही है, लेकिन फिर भी वे प्रयास करती रही। घर में जितनी भी रस्सियाँ थी वो ले आई और गांठ बांध बांध कर उसे बड़ा करती गई, और हर बार रस्सी दो उंगल छोटी पड़ती गई। अब मैया थक चुकी थी,
प्रस्वेद के कारण उनका शरीर गीला हो गया था। उनकी वेणी के फूल बिखर चुके थे। सुबह से लेकर शाम होने लगी थी। आसपास की गोपियां भी इस लीला को देखकर उसका आस्वादन कर रही थी। आखिर मैया की मेहनत देखकर श्री कृष्ण को उनके ऊपर करुणा उत्पन्न हुई और उसी क्षण भगवान की कृपा शक्ति वहां प्रकट हुई, जिसने मैया यशोदा को सहायता की और आखिर कृष्ण अपनी इच्छा से मैया के द्वारा बांध लिए गए। हमारे आचार्यगण बताते हैं कि मैया यशोदा की रस्सी हर बार दो उंगल छोटी पड़ने का अर्थ ये है कि भगवान को अपने प्रेम पाश में बांधना है तो उसमें दो चीज़ों की सबसे अधिक आवश्यकता है। एक है हमारा स्वयं का प्रयास और दूसरा है भगवान और उनके भक्तों की विशेष कृपा। इनके बिना कोई भी जीवात्मा भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। मैया यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को दाम यानी रस्सी को उधर से बांधा था, इसलिए भगवान का एक नाम दामोदर पड़ा और उनके नाम से ही इस कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान की ये अत्यंत मधुर लीला इसी कार्तिक मास में दिवाली के दिन हुई थी। तो चलिए इस दामोदर मास में हमारे प्रयास की रस्सी के साथ गुरु और वैष्णवों की कृपा की याचना करते हुए भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और इस जन्म मृत्यु के विष चक्र से परे आध्यात्मिक गंतव्य को प्राप्त करने के पथ पर अग्रसर होते हैं। हरे कृष्णा।